हेलो गाइस आप सभी लोग, लोग अच्छे हैं आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और मैं वो बुलबुल और आप लोग देख रहे हैं बुलबुल ब्लॉग्स तो गाइस आज की ये वीडियो कोई ब्लॉग व्लॉग नहीं है तो आज की ये वीडियो थार्मल देख आप लोगों ने शायद देख ही लिया तो समझ ही लिया तो आज का वीडियो एक कहानी है एक स्टोरी है तो चलिए मैं स्टोरी को शुरू करती हूँ और स्टोरी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो अच्छा तो लगेगा ही और ये स्टोरी सुनकर आप लोगों को आँसू से आँख से आँसू निकल जाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते फटाफट और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल पे नया है तो जल्दी से मेरे चैनल को फॉलो कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ये स्टोरी सब लोग सुन पाए तो कि एक आदमी मछली पकड़ रहा था तो आ, उसने बहुत ताज़ी ताज़ी मछली पकड़ी और उस समय एक दूसरा आदमी आया तो उसने उसके हाथ से मछली छीन लिया और बोला चल मुझे दे दे, दे मछली और उसने बोला कि क्यों चल मुझे दे दे मछली तो उसके हाथ से मछली सीन लिया और सीन के बाद वो जा रहा था ताजी ताजी मछली लेकर तो मछली अभी तक जिंदा थी तड़प रही थी तो मछली ने क्या क्या कि उसके अंगूठी में काट दिया तो जब काट दिया तो मछली हाथ से छूट गया छूट गया और छूट के बाद वो मछली चला गया पानी में चला गया और उसके हाथ में जख्म हो गया उस समय ही उसका हाथ में जख्म हो गया और उसने डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला ये कुछ भी नहीं हुआ है तुम इसको थोड़ा बैंडेज कर देते हैं मैं थोड़ा पट्टी कर दिया उसको बैंडेज कर दिया तो बोला कि दो दिन बाद आइए देखते हैं क्या होते हैं तो वो आदमी जब दो दिन बाद गया तो देखते हैं कि वो वैसे वैसे ही रहा लेकिन और ज़्यादा हो गया तो बोला कि ये तो और ज़्यादा हो गया तो डॉक्टर ने बोला कि उसको ट्रीटमेंट कर कर देखा कि इसको काटना पड़ेगा वरना पूरा हाथ ही जाएगा तो उसके बाद उसने इसको उंगली काट दिया ये पूरा उंगली कट दिया कट के बाद बोला कि तीन दिन बाद आइए देखते क्या होते तो तीन दिन बाद आकर देखते हैं कि हाथ पूरा यहाँ तक चला गया तो पूरा जख्म हो गया तो वो डॉक्टर ने बोला कि इसको काटने पड़ेगा वो क्या करेगा मर्द तो इसको काट दिया तो पूरा हाथ ही कर दिया यहाँ तक उंगली उंगली फट सब कर दिया तो डॉक्टर ने बोला कि तो चार दिन बाद आइए देखते क्या होते तो जब वो चार दिन बाद आया तो हाथ पूरा यहाँ से यह तो नहीं है काट दिया तो यहाँ से पूरा यहाँ तक चला गया हाथ तो डॉक्टर ने बोला कि अब तुम्हारा एक अट्टा पड़ेगा वरना तुम्हारा पूरा हाथ चला जाएगा तो क्या करेगा वो तो यहाँ तक काट दिया तो फिर से पट्टी कर दी बैंडेज कर दी तो एक लोगों ने उसको बोला तेरे साथ क्या हो रहा है तूने कुछ गलत गलत क्या किया उसने उसने बोला हाँ मैंने एक गलत किया था मैंने एक दूसरा आदमी का मछली सीन कर लिया था मेहनत उसकी थी खाना मैं चाहता था तो उसने बोला कि चल ढूंढ उसको चल ढूंढ 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 के उसको मिला और उसका पैरों में गिर गया उसने बोला कि तूने क्या किया तेरे का कोई तंत्र मंत्र विद्या आते हैं क्या तूने मेरे साथ क्या किया तूने मुझे बसा ले तो उसके बाद उसने बोला कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया ऊपर देखा मैंने सिर्फ बोला था ऊपर वाला इसने अपनी तक का दिखाई तुझे अपनी तक का दिखा दे तो सर कर्म फल भोगना पड़ता है सर इसलिए करेक्टर में रहिए तो मैं यही बोलता हूँ करेक्टर में आप लोग रहिए लोभ मत करिए और कभी आपका पावर मत दिखाइए तो कर्म फल भोगना ही पड़ता है सर तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये कहानी अच्छा लगेगा तो एक्सलिय कहानी मेरा नहीं है तो शायद आप लोग किसको जानते हैं सोनू शर्मा वो मोटिवेशन बात करते हैं तो उसका है लेकिन मैंने सुना इसलिए मैंने थोड़ा कहा कि मेरा इतना वीडियो भी नहीं आ रहा तो थोड़ा आप लोगों को बस सुना दूँ शेयर कर दूँ तो इसलिए मेरा नहीं है तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो और आज से मेरा वीडियो आएगा तो रोज आएगा तो आज और भी दो वीडियो बनाना के लिए अभी बाकी है तो बनाऊँगा तो अस के लिए भाई भाई लव यू फ्रेंड्स मिलते तो हैं और एक वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए